आपको पता है कि बीच में कुछ धक्का देने के कारण और आगे से कहां हो गया था, समय जीत गया, उसके बाद गए मुलाकात हो गई। अरे हंडी काम का किसका भाई हुई है, कई लोगों से मुलाकात भी हो गई है। तुम गए थे इसी काम के लिए और आ गए। आज राष्ट्रपति जी से भी मिलना था लेकिन सुबह ही उनका फोन आ गया और बातचीत हो गई, किसी कारण से उनको आज मिलना। लेकिन सब लोगों से बातचीत हुई, बातचीत हुई, जिस दिन गए हैं उसी रात गृह मंत्री जी अमित शाह जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इन सब लोगों से बातचीत हुई। और जितना देर रहे वहाँ, उतना देर कितने लोग, सब लोग आते रहे, सब लोगों से बातचीत करते रहे, पार्टी के लोग भी और अन्य लोग भी, सब लोग। बीजेपी जी कोरोना टेस्टिंग के डेटा में फर्जीवाड़े की जानकारी आ रही है सर। जिस दिन गए हैं उसी दिन बातचीत है, जब हम जा रहे थे तभी उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि शाम में पूरा किया। चुनाव के बाद तो नहीं गए थे, चुनाव के बाद एक बार शामिल होगी क्या उसके बारे में कोई बात? वो तो वहाँ से बता ही चुके विधान, वो तो वहाँ भी इन सब बातों के बारे में पूछ रहे थे, सब बता दिए। इसके बारे में विधान परिषद को लेकर कभी कोई चर्चा हो रही क्या? नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं है, वो तो अपने आप होना ही है। हाँ तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, ये तो और पहले भी हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब आएगा, सब होगा, उसमें कोई विलंब ज़्यादा अब नहीं होगा जहाँ तक मुझको लगता है। हालांकि इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है, ऐसे ही अन्य चीज़ों पर, बिहार के डेवलपमेंट के लिए सब कुछ के बारे में क्या काम चल रहा है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। बंगाल चुनाव पे उसके बारे में तो बात नहीं हुई है, हम लोगों की पार्टी के अंदर ही इस पर चर्चा हो रही है। वहाँ जो पार्टी के लोग हैं वो सब मिले हैं और इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जिम्मेवारी दी गई है, सब लोगों से बातचीत करके इसके बारे में होगा, जब होगा तभी फिर हम लोगों के साथ विमर्श करेंगे। सर कोरोना ये हमने अभी देखा है जब चल रहे थे वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं तो हमने तुरंत पूछा है। जो हमारे जो प्रधान सचिव हैं उनसे हमने पूछा कि क्या बातचीत है, इस तरह की खबर देख रहे हैं कि ऐसा कुछ क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पूरी जांच कर लिए और हमको बताया कि 22 जिला का देख चुके हैं, एक जगह कहीं कोई देखा गया है उसके बारे में तत्काल हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और जिस अखबार में आया था उनके पत्रकार से भी उनकी पहले बातचीत हुई है और पूरा का पूरा सब तरह से लगे हुए हैं, पूरी रिपोर्ट ये लोग वहाँ भी भेज दिया, शायद पार्लियामेंट में राज्यसभा में सवाल को किसी ने उठाया था, एक माननीय सदस्य ने उठाया था, तो इसको लेकर के ये बात आई है। उसके पहले किसी एक समाचार पत्र में छपा था, तो इन लोगों ने पूरी बात की और हमको देखते ही हमने पूछा कि क्या मामला। वैसे आप जानते हैं कि मेरे पास तो प्रतिदिन शाम कहाँ कितना जांच हुआ, किस जिले की क्या स्थिति है, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग ठीक हो गए हैं, एक एक डिटेल हमारा तो शुरू से, कभी आप लोगों को फुर्सत होगा तो हम दिखा देंगे डे वन से पूरा का पूरा, और हमारे पास वो समूचा एक एक चीज़ रखा हुआ, तो हम तो देखते ही रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है कि किसी के बारे में जांच नहीं किया और उसके बारे में लिख दिया कि जांच किए हैं, ये तो गलत बात होगी ना, तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन ये पूरी की पूरी जांच कर रहे हैं, एक आध जगह के बारे में उनको, इन लोगों को एक लगा है, उसके बारे में पूरी जाँच कर रहे हैं और हमको पूरी जानकारी उन लोगों ने दी है, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने, जैसे ही वहाँ तुरंत पूछ रहे थे, जब हम वहाँ से चले हैं तब भी पूछे और उसी के बाद उन्होंने पूरा जानकारी दी, और अब तो आए हैं तब तो पूरा डिटेल और बताएंगे। और आज भी उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पर भी आज ही हो जाएगा और दिन में ही 12 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी भेज दिया है, इन्होंने कहा कि वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भी, केंद्र सरकार को भेज दिया है, भेज दिया, अगर पार्लियामेंट में कोई सवाल उठा है तो सारी बात हमको तो डिटेल आज बताया। तो हमने ये भी कहा कि इसको पूरे गंभीरता से देखना चाहिए, लेकिन जांच तो बहुत अच्छा हुआ है और जांच तो काफ़ी हुआ है, तो जो कुछ भी फिगर हमारे पास आता है डेली, हमारा जो कल शाम का फिगर हमने देखा है कि 10 लाख की आबादी पर जो देश में औसतन जांच होती है, तो देश का जो औसत जाँच उससे 22,000 से भी ज़्यादा जाँच बिहार में। लेकिन अगर किन्हीं को ऐसा लगा है कि कहीं पर कि जांच की बात सही नहीं है या कोई गलत उसका है रिपोर्ट, देखिए चीज़ को ये लोग जांच कर रहे हैं और सब जगह इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है और जो हमको इन लोगों ने सूचना की,
फिर भी हम आज पूरी बात पूछ रहे हैं और कल तो और डिटेल हम इसकी जानकारी। बिल्कुल, अगर कोई जरा सा भी गड़बड़ी किया रहेगा तो कोई छोड़े छोड़ हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो उन लोगों ने कहा कि एक जगह के बारे में उन लोगों को ऐसा लगा है और बाकी सब जगह भी 22 जिले में और नहीं पता चला आज तक, लेकिन शाम रात तक वो सब उस काम को भी पूरा कर लेंगे तो पूरा डिटेल फिर हमको कल देंगे, आज नहीं पूछ लेंगे। मुख्यमंत्री जी, गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है लेकिन 18 मंत्रियों पे आपराधिक मामले हैं, ये हमको नहीं पता है भैया। आप लोग देखिएगा किस पर क्या मामला है, वो तो पूरा देखिए, कोई लिख ठोकर के आया है, हमने नहीं देखा सर। अगर ऐसी बात होगी तो हमको भी जरा बताइएगा सर, हमको भी जानकारी दीजिएगा, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कोई। सर, राज्य में धान खरीद की सर तिथि बढ़ा दी गई है मगर रजिस्ट्रेशन की तिथि बंद होने से किसान अभी तक खरीद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इसमें, कॉपरेटिव पे रजिस्ट्रेशन करने वाले तो शुरू में हमने कह दिया अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। इस बार जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था और जो पहले ही दिन हमने इसको मतलब समझ लीजिए कि इन लोगों ने इसको किया था, जो प्रारंभ किया था नवंबर, लेकिन उसका तो हम दिसंबर में पूरी बात और पहले ही दिन हमने देखा तो पता चला कि भाई एक कोऑपरेटिव में भी इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनका लेते हैं, तो हमने कहा इसकी क्या जरूरत है। जब कृषि विभाग में सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन है तो बाकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए उसी दिन कह दिया था। और सारे डीएम्स ने कहा कि अब बहुत अच्छा हो जाएगा, इसी के चलते कुछ विलंब होता था, ये हम आज नहीं कर दिए, बहुत पहले कर दिए। अभी भी ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर कोई करता है रजिस्ट्रेशन तो गलत करता है, हम तो तत्काल पूछेंगे। अगर ऐसी बात आप हमको कह रहे हैं तभी हम पहुंचते ही सबसे पहले पूछेंगे क्यों रजिस्ट्रेशन, जब पहले से तय हो गया कि कोई अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जितने किसान हैं उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो उनका उसी रजिस्ट्रेशन को देख करके करना, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन की तो आवश्यकता है नहीं, अलग से कहां से रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इसके बारे में तो कई बार हो चुकी है और पिछली बार भी था, सब लोगों का लग रहा था, हमने कहा कि भाई किसानों का ही खरीद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाएं दाएं से कुछ हो, तो एक एक चीज़ पर नज़र है और बहुत समझिए कि जल्दी जल्दी कुछ ही समय के अंतराल में डीएम्स वगैरह को सब जगह जाकर के देखना है और एक एक चीज़ पर निगरानी रखी जा रही है ताकि प्रोक्योरमेंट ठीक ढंग से हो और कहीं भी कोई बाएं दाएं कोई काम नहीं कर सके, इसके लिए पूरा का पूरा नज़र रखने का हमने निर्देश दिया और इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन की बात है तो इसको इसके रजिस्ट्रेशन की बात तो पहले ही तय हो गया, आज ही मैं पूछूंगा इसकी क्या आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद।